आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है खुदावंत की पाक प्रेजेंस में। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप मेरे खुदावंत के पाक पवित्र जलाली हाथों में सुरक्षित हैं। आज की सुबह आपके लिए बहुतायत की आशीष और बरकत लेके आई है। आज का दिन आपके को वो देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं चाहती हूँ प्रिय भाई बहनों निरंतर प्रार्थना में बने रहें। इसलिए हम कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सुबह शाम हम इकट्ठे होकर प्रभु के नाम को महिमा दें। प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जिन लोगों के पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है, हम दिन में 3 वीडियो डालते हैं, तीनों वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचती, आपको पता नहीं चलता कि हमारी वीडियो आई कि नहीं आई है, तो आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है दोबारा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, रेड वाले बटन को दोबारा प्रेस करना है ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, आप प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें, इज्जत जलाल दे और अपने जीवन में प्रभु के प्रकाश को देखें। हालेलुया। आइए पाकरु की सेवकता को मांगते फिर हम खुदावंत के पाक कलाम की ओर जाएंगे कि खुदावंत का पाक कलाम आज हमें क्या कहता है। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, महिमामयी जलाली परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी। रात भर आपने हमें संभाला है, अच्छी नींद दी, मीठी नींद दी, अब आपने हमें जीवतों की मंडली में शामिल किया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम ये आशा करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि आज हम सेम नहीं रहेंगे। खुदा पिता तेरी पाक रूह की सेवकता को मांगते हैं कि तेरी पाक रूह की सेवकता आज वचनों के द्वारा हमें बताए कि हमें किस मार्ग पर चलना है, कैसे चलना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत तेरा पाक रूह हमारे जीवन में आ चुका है। मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, सब बोलिए आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे कन में जबूर, जिसे भजन संहिता कहते हैं, और उसकी 2 बाब को पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, कितने लोग सच में प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो पर फिर भी वो प्रभु की ओर निश्चल लगाई बैठे हुए हैं कि यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मुझे रक्षा प्रदान करेगा, वो मेरे हालातों से मुझे बाहर निकालेगा, क्योंकि वो जिसकी मैं पनाह में हूँ, मेरा परमेश्वर वो जलाली परमेश्वर है, जो धरती आकाश पृथ्वी का मालिक है, वो मेरा परमेश्वर है जिसकी मैं पनाह में हूँ। अगर प्रिय भाई बहनों आपके अंदर ऐसा विश्वास है, आप शक नहीं करते हो, क्योंकि मनुष्य शक करता है, जब उसकी गवाही को टाइम लगता है, गवाही मिल नहीं रही होती, तो वो शक करता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, जिस परमेश्वर को हम मान रहे हैं क्या वो सही है, वो शक करने लगता है। हमने शक नहीं करना, जैसे ये भजनकार विश्वास के साथ परमेश्वर को कह रहा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मतलब एक संपूर्ण विश्वास के साथ कि वो शरण स्थान है और मेरा गढ़ है। उसने गढ़ माना है परमेश्वर को, उसने शरण स्थान की जिसके शरण में मैं आया हूँ, उसे पता कि जिसके शरण में आया हूँ मैं सेम नहीं रहूँगा, मतलब विश्वास से भरा हुआ है। आज आपको विश्वास के साथ भरना है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, अगर आप भरते जाते हो एक दिन आप बड़ी ब्लेसिंग को लेंगे। प्रिय भाई बहनों, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी ब्लेसिंग में थोड़ा सा ही फर्क लेता है, लेने के लिए थोड़ा सा फर्क रह जाता है उसे पाने के लिए, तो हम पीछे हट जाते हैं, उस ब्लेसिंग को फिर हम खो देते हैं, एंड टाइम में आके हम ऐसा करते हैं कि वो ब्लेसिंग हमसे दूर चली जाती है, वो आशीष हमें मिल नहीं पाती, क्योंकि हमने इतने समय का इंतज़ार किया, पर जब एंड टाइम आया हम पीछे हट गए विश्वास की कमी कारण, या परिस्थितियों के कारण, हालातों के कारण कि अब बस बहुत हो गया। पर प्रिय भाई बहनों, एंड टाइम तक आपने बने रहना है। अगर आप आशीष लेना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, एंड टाइम तक आपको बना रहना होगा कि जब आपको मिले तो ऐसा मिले कि दुनिया देखती रह जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई धरती पर, एक कम रोशनी देने वाली ज्योति और एक ज़्यादा रोशनी देने वाली ज्योति, जैसे चंद्रमा और सूरज। आप कौन सी ज्योति बनना चाहते हो, चंद्रमा की तरह या सूरज की तरह?
जो सबको प्रकाश देता है, दिन में सबको उजाला करता है। आप कौन सी ज्योति बनना चाहते हो ये आपके हाथों में, ये आपने डिसाइड करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और मेरा विश्वास है कि आप बड़ी ज्योति को ही मांगेंगे कि मैं सबको प्रकाश दूं। अगर आप चाहते हो तो एंड टाइम तक विश्वास में बढ़ना है। विश्वास है कि आज सेम नहीं है, इस वचन के द्वारा आप एंड टाइम तक बने रहेंगे, अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ेंगे। लड़ना किसको है? आपको और मुझको, किसी ने नहीं हमारे लिए लड़ना है। कोई एक बार दो बार प्रार्थना आपको कर देगा, पर लड़ाई किसकी है? आपकी अपने लिए है, मेरी अपनी लड़ाई है। हम सब ने अपनी अपनी लड़ाई को लड़ना है और जीतना है और फतेह पानी है। हालेलुया, जीतिए, लड़िए, हालेलुया। आइए अपने आँख बंद करें। मेरा विश्वास है कि आज का दिन प्रार्थना के द्वारा आपका सेम नहीं रहेगा। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु महान जलाली परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हमें जाना है कि हमें शक नहीं करना है, हमें यहोवा पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि वो हमारी शरण पनाह, हम उसकी शरण में आए हैं। वो हमारा रक्षक है, हमें संभालता है, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है, देखता है हमें किन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं। हम उन परिस्थितियों में रहकर भी प्रभु की शुक्रगुजारी करनी है। एंड टाइम तक हमें सहना है, एंड टाइम तक हमें बने रहना है और बड़ी ग्रेस को हासिल करना है, बड़े मसीह को लेना है, बड़ी सामर्थ को लेना है। हालेलुया, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ आज के इस वचन के लिए, आज के इस कलाम के लिए पिता परमेश्वर। और तेरे से पिता परमेश्वर पाक रूह की सहभागिता को मांगती हूँ कि पिता परमेश्वर मैं अपने बल अपनी समझ में कम हूँ, मुझे तेरी समझ, तेरा बल, तेरा जोर चाहिए, तेरी ताकत चाहिए, तेरा बल चाहिए पिता परमेश्वर। मुझे हिम्मत दे खुदा, मुझे दिलेरी दे कि आज की जो सुंदर सुबह है खुदावन, आज का जो सुंदर दिन तूने मुझे दिया है, इसमें मैं सेम ना रहूं पिता। आज मैं सुंदर सुबह में प्रभु एक आशीष जन बनकर खड़ा रहूं पूरा दिन खुदावन। आज पिता परमेश्वर तेरे वचनों की तलवार मेरे साथ रहे पूरा दिन खुदावन। पिता परमेश्वर जिस काम को हाथ लगाऊं वो काम होने पाए प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में वो सक्सेस होए पिता परमेश्वर। पिता जहाँ कहीं मैं जाऊँ पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे, मेरे मार्ग को सीधा करे पिता परमेश्वर। खुदावन तेरे वचन में लिखा तू धर्मी के मार्गों को सीधा करता है, प्रभु आज मेरे मार्गों को भी सीधा करना खुदावन। जितने भाई बहन इस चैनल पे आते हैं उनके मार्गों को सीधा करना मेरे परमेश्वर। जितनी परिस्थितियाँ इनकी पिता परमेश्वर, हालात पिता परमेश्वर बिगड़े हुए हैं, आज पिता परमेश्वर खुदावन ये इन्हें बड़ी हिम्मत बड़ी दिलेरी देना कि एंड टाइम तक बने रहे खुदा, शक ना करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बल्कि शरण पनाह तुझे माने कि हम प्रभु की शरण पनाह में, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों हम भी प्रभु परमेश्वर की गोद में हैं और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। वो हमारा शरण पनाह परमेश्वर हमारा गढ़ है, हमें संभालेगा, हमें सब कुछ देगा जिस जरूरतों की हमें जरूरत है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपने हमें समझाया, हम थैंक्स करते हैं खुदा और विश्वास करते हैं कि आज हम ब्लेस हो चुके हैं, हम आशीष जन हो चुके हैं, हमारी फैमिली ब्लेस हो चुकी है, हमारे काम ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम से। सुंदर सुबह में प्रभु हम प्रवेश किए, सुंदर दिन में हमने प्रवेश किया। आज का दिन प्रभु परमेश्वर सबसे खास दिन है हमारे लिए पिता परमेश्वर, आज का दिन सब दिनों से ज़्यादा सुंदर दिन है। आज के दिन प्रभु परमेश्वर हमने जो बीते दिनों में नहीं पाया हम आज पाएंगे खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते पिता जी हमको बड़ी ब्लेसिंग बड़े छुटकारा देने के लिए। विश्वास करते कि हमने जो मांगा वो हमें मिल चुका है यीशु नाज़री के नाम से। हम धन्यवाद करते, सारी महिमा सारा इज्जत सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम को देते हैं। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमेन आमेन। प्रिय भाई बहनों हम सब ब्लेस है, हम सब ब्लेस है यीशु नाज़री के नाम से। हालेलुया। अगर आप हमारी चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारी चर्च के लिए दान देना चाहते हो तो जो नंबर है इस नंबर पर आप गूगल पे कर सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जब आप छोटी चर्चों के लिए बोते हैं परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देता प्रिय भाई बहनों। कभी बो के देखना और रिजल्ट को लेकर देखना अपने जीवन में, क्योंकि जब चर्च में आप बोते हो आपका एक एक रुपया वहाँ लगता है। जैसे गर्मियों के दिनों में हमें फ़ैन की ज़रूरत है और संडे को चर्च लगेगी और मुझे नहीं पता कैसे फ़ैनों का इंतज़ाम होगा, पर मुझे ये विश्वास है कि मेरा यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर हो, वो एंड टाइम में सब कुछ मुहैया मुझे कर देगा। हालेलुया, सबको मेरी तरफ से जय मसीह।